हरर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष और वह भी गुरुवार की गुरु प्रदोष, जिस दिन महादेव खुद गंगा तट पर जाते हैं स्नान करने के लिए। तो अगर आप गंगा तट पर स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो अपने जल के पात्र में 2-4 बूंद गंगा जल की डाल करके स्नान जरूर करें, जिससे माघ के महीने में आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय आपको इस दिन का बताने वाली हूँ। वैसे तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, पर गुरु प्रदोष पर करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, भाग्य खुल जाएगा, किस्मत वाले बन जाओगे। इस सरल से उपाय को आप जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री लेना है, साफ सुथरी हो, कहीं से कटी फटी ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। 5ों बेलपत्री को आपको रखना है आपके सीधे हाथ में, राइट हैंड में आप 5ों बेलपत्री रख लीजिए। उस पर रखिए आप 2 लोटे जल, एक लोटा रखा उसके बाद दूसरा लोटा भी उसी के ऊपर रख करके आपके नज़दीकी शिवालय जाइए, शिव मंदिर जाइए। सबसे पहले आप 5ों बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पण कर दोगे। अब आप कहोगे कैसे करनी है, लोटा तो ऊपर रहेगा, आप तो दोनों ही लोटे नीचे रख लेने हैं और बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके महादेव पर अर्पण कर देनी है। जो ऊपर वाला लोटा रहेगा उसका जल शिवलिंग पर अर्पण कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए। जलाधारी से जो जल निकल कर जाएगा उसे आप अपनी आँखों पर लगा देना। जो दूसरा लोटा है अब उसको आप आसपास कोई भी बेलपत्री का वृक्ष है वहाँ ले जाकर के बेलपत्री के वृक्ष में उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जल को अर्पण कर दोगे और वहाँ का जल भी आप अपने नैनों पर जरूर लगा लेना, जिससे आपको किस्मत वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता, भाग्य आपका उदय होकर जरूर रहेगा। गुरु प्रदोष का छोटा सा उपाय जरूर करें। एक विशेष बात का जरूर ध्यान रखना है, आपको उसी शिवालय जाना है जिसके आसपास बेलपत्री का वृक्ष हो, जिससे आप दूसरा लोटा जल का वहाँ अर्पण कर सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी हर मनोकामना आप गुरु प्रदोष के दिन 2 लोटा जल से जरूर पूरी कर सकते हो। गुरुदेव अपनी कथा में हर बार कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो आप तो 2 लोटे जल चढ़ाओगे तो सोचो आपकी जन्मों जन्मों की जो मनोकामना अधूरी है वह जरूर पूरी हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट जरूर करें, उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।